दोस्तों गुड मॉर्निंग, जय माता की। तो दोस्तों बज चुके हैं सुबह के 9 और हम रेडियो के नीचे को आ चुके हैं रूम से। हमने तो हम उठ गए थे 4 बजे। 4 बजे उठ के हमने नहाना धोना करके माता रानी के दर्शन कर लिए और नीचे गर्भ जून गुफा के भी हमने दर्शन कर लिए, जहाँ पे माता ने 9 महीने तक तपस्या की थी। तो हम वहाँ सुबह चले गए थे, 4 बजे चले गए थे हम नहा धो के, और 6 बजे हम वहाँ से आए, लाइन में लगे रहे। तो वहाँ से हमारे भी अच्छे से दर्शन हो चुके हैं। तो अब हमारी यात्रा अच्छे से पूरी संपूर्ण हो चुकी है। तो अब हम जाएंगे नीचे को, कटरा को जाएंगे। अभी हमें 6 किलोमीटर चलना है नीचे को। अब तो डाउन है, आते समय चढ़ाई थी, तो अब तो हम आराम से चले जाएंगे क्योंकि हमारी रात की ट्रेन है। और सामने में लोग अभी भी माता रानी के दर्शन के लिए लाइन में लगे हुए हैं यहाँ पर, और कुछ सो रखे हैं यहाँ पर। तो अभी हमारा तो यहाँ पर कंप्लीट हो गया है सारा। तो हम चलते हैं नीचे को। तो हमने अपनी अपनी लाठी ले ली क्योंकि हम ऐसे चलेंगे, क्योंकि कल हमने चढ़ाई चढ़ी थी ना, पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। एक पैर में तो उतना नहीं हो रहा है, दूसरे में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो अब हम चलते हैं। और यहाँ के ना मेरी आवाज़ भी चेंज होगी, मेरे गले में दर्द हो रहा है क्योंकि यहाँ का मौसम थोड़ा ठंडा है, पर जितना बोल रहे थे लोग उतना है नहीं, हल्का से चेंज है। तो फिर चलो अब चलते हैं, मिलते हैं आपको नीचे जाके। तो दोस्तों अभी हम चल रहे हैं 2.5 किलोमीटर, 11 बज चुका है, 2.5 किलोमीटर की और है। तो नीचे को जाने में तो इतना फील नहीं हो रहा, पर ऊपर को जाने में बहुत टाइम भी लगा, थकान भी लगी थी। अभी हम नीचे को जा रहे हैं तो उतना हमें नहीं लग रहा है। और यहाँ पर जगह जगह पेन वेजे वगैरह चलते रह रहे हैं, ठीक हो रहा है। तो दोस्तों हम पहुँचने वाले हैं बाढ़ गंगा के पास पर, 1 किलोमीटर और है। हम 5 किलोमीटर की चल के आ चुके हैं, हम 1 किलोमीटर और है। ये देखो, इनको गर्मी लग चुकी है। आपको दिखाते हैं सामने में एक मंदिर। तो दोस्तों अब हम बाढ़ गंगा पहुँचने वाले हैं। लगभग 5 किलोमीटर हम उतर आए हैं अर्धकुंवारी से। सामने आपको मंदिर दिखाई दे रहा होगा, बस इसका मतलब समझ लीजिए कि आप बाढ़ गंगा पहुँच गए हैं। यहाँ से फिर कटरा के लिए हम टेम्पो लेंगे, और यहाँ पर आपको जो मंदिर है ये माता रानी यानी भगवती माता का मंदिर है। ये देखिए माँ इच्छा पूर्ण मंदिर है ये। तो अभी हम ना यहाँ पे बाढ़ गंगा के पास नदी है जो ना, हम वहाँ पर वहाँ पे हम आ चुके। और यहाँ पर ना चढ़ाई, जब मंदिर की हम के लिए चढ़ाई शुरू करते हैं तो यहाँ पर लोग नहाते हैं। हमने तो खैर होटल में नहाया था, होटल बुक किया था। जिन्होंने होटल बुक नहीं किया हो, जो आ रहे हो जा रहे हो, वो यहाँ पर नहा के स्नान करके जाएंगे ऊपर को। और ये नदी के बारे में जानकारी थोड़ी सी ये देंगे, हाँ तो बताइए। इसकी कहानी ये है कि जब हनुमान जी को प्यास लगी थी तो उन्होंने माता से आग्रह किया था कि मुझे प्यास लगी, तो माता ने अपने धनुष बाण से यहाँ पर मारा था, उस स्थान से गंगा पकड़ ली थी, इसलिए इस स्थान को बाण गंगा कहा। हनुमान जी ने यहाँ से अपनी प्यास बुझाई। और यहाँ मान्यता यह है कि जब भी चढ़ाई चढ़ते हैं तो वैष्णो देवी के दर्शन से करने से पहले यहाँ पर स्नान किया जाता है, तब जाके ऊपर जाके मंदिर के दर्शन किए जाते हैं। तो जो लोग यहाँ नीचे से नहा के आते हैं, जिन्होंने होटल किया है, जो लोग डायरेक्ट चढ़ाई चढ़ रहे हैं, कहीं पर रुक नहीं रहे हैं, कभी स्टे नहीं कर रहे हैं, सिर्फ जाके मंदिर में ही स्टे करेंगे, तो वो लोग पहले यहाँ पर स्नान करते हैं, उसके बाद सीधे यहाँ से
कटरा वैष्णो देवी के मंदिर जाकर दर्शन करते हैं। तो ये यहाँ की मान्यता है और ये बात सच भी है। नीचे लोग नीचे कुछ लोग नहा रहे हैं, तो नीचे को नदी है पूरी। तो अब हम चलते हैं आगे को। अब हमारा कितना है यहाँ से, अब हम ज़्यादा नहीं, हम पहुँच ही गए हैं लगभग थोड़ा सा। अब तो हम बाणगंगा से यहाँ से हम जाएंगे टैक्सी में। अब हम टैक्सी में चलते हैं, फिर मिलते हैं आगे आपको कटरा की मार्केट। दोस्तों ये देखिए आप, बाणगंगा से अर्धकुंवारी कितनी ऊंचाई है। यहाँ पर भी बाणगंगा है, यहाँ से हमें जाना है। वो ऊपर टॉप पे सफ़ेद सफ़ेद दिख रहा है ना, हमें इतनी चढ़ाई चढ़नी है ऊपर जाके, तब जाके वहाँ पे जाना है अर्धकुंवारी में। फिर जितना यहाँ से हम चल सके उससे ज़्यादा फिर हमें जाना है माता के मंदिर में दर्शन करने के लिए। तो सोच लीजिए कि सुबह से हम चलेंगे तो शाम तक ही हम दर्शन करके नंबर आए तो शाम तक ही आएंगे। तो यहाँ से इतनी दूरी पे है अर्धकुंवारी। हम पहुँच चुके हैं नीचे कटरा में, और अभी मैं आपको यहाँ से दिखाती हूँ अर्धकुंवारी यहाँ से कितनी किलो कितनी ऊंचाई में है। और वहाँ से माता का मंदिर तो खैर दिख नहीं रहा है, अर्धकुंवारी दिखाती हूँ यहाँ से कितनी ऊंचाई पे। और हम अब यहाँ से जाएंगे कटरा की मार्केट घूमने के लिए। तो मैं आपको दिखाती हूँ, पहाड़ कितने साफ दिख रहे हैं, जब इनमें बर्फ़ गिरती होगी तो कितनी दूर से चमकती होगी बिल्कुल चादर जैसी। और ये अर्धकुंवारी सीधे सामने में। फिर यहाँ से हमें जाना है सीधे तिरछा करके जाना है, लास्ट कोने पे दिख रहा होगा, फिर उससे तो दिख ही नहीं रहा है ना, उससे आगे को जाके और बहुत दूर पे है माता का मंदिर। तो यहाँ बादल भी लगने लग चुके हैं, ठंडा हो रहा है क्योंकि हम नीचे हैं, तो नीचे में बहुत ठंडा हो रहा है। कुछ यात्री आ रहे हैं, कुछ जा रहे हैं। तो हम चलते हैं मार्केट चलते हैं, और हमने वहाँ पर एक फ़ोटो भी निकलवा रखी है माता रानी के साथ, इसको हम घर जाके फ्रेम करके निकलवाएंगे, उसके बाद फिर आपको दिखाएंगे हम। तो चलो चलते हैं कटरा की मार्केट। सुबह दिल्ली, तो फिर मिलते हैं आपसे सुबह।